पब्लिक टीवी आपकी आवाज। एमडीए के उपाध्यक्ष ने मास्टर प्लान 2031 को दावे आपत्तियों के निस्तारण के बाद जल्द लागू करने की तैयारी की है। मास्टर प्लान में कांठ और दिल्ली रोड पर बाजार स्ट्रीट का प्रावधान किया गया है। जहां औद्योगिक कॉमर्शियल गतिविधियां हैं, वहां उसी के अनुसार लैंड यूज भी बदला जाएगा। दिल्ली रोड से रामपुर रोड को जोड़ने वाली रिंग रोड के किनारे कॉमर्शियल एक्टिविटी का प्रावधान भी किया गया है। मास्टर प्लान पर लगातार मंथन और सुधार प्रक्रिया चल रही है। एमडीए उपाध्यक्ष मधुसूदन हुलगी ने बताया कि मास्टर प्लान को व्यवहारिक बनाने को लेकर एमडीए अध्यक्ष से विस्तार से चर्चा हुई है। जो सुझाव मिले हैं उनको भी शामिल किया गया है। हमारी कोशिश है कि सभी अवैध कॉलोनियां वैध हो जाएं। विकास के लिए आवश्यक लैंड यूज परिवर्तन के लिए फोकस किया गया है। दावे आपत्तियों पर सुनवाई और निस्तारण के बाद करीब एक महीने में नया मास्टर प्लान सामने होगा। मंडलायुक्त अंजनी कुमार सिंह ने बोर्ड की बैठक में आपत्तियों की सुनवाई समय से करने को कहा है। ड्राफ्ट मास्टर प्लान भी का भी प्रेजेंटेशन किया गया, जहाँ पे हमने जो नए नए प्रपोजल दिए हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल एरिया को एक्सपांड किया है, रेसिडेंशियल एरिया को ऑर्गेनाइज किया है, अलग अलग जगह पे कम्युनिटी फैसिलिटीज़ दिया है, अलोंग द रिवर हमने ग्रीन बेल्ट दिया है, और अलोंग द नेशनल हाईवे जो हमारे हमारे एरिया को प्राधिकरण शहर को जीरो दिल्ली वाले रोड पर 0 पॉइंट के आगे से कट के बरेली रोड पर कनेक्ट हो रहा है, वहाँ पे अलग अलग जगह पे कलवर्ट्स दिया जाए ताकि हम शहर के क्षेत्र लोग भी वहाँ पे उसको कनेक्ट कर सके। और अलोंग द हाईवे भी हमें 300 मीटर के हमने ज़मीन ऑलरेडी एक्टिविटीज़ के लिए ईयरमार्क कर चुका है कि जब भी ये हाईवे बनेगा तो एक्टिविटी ऑटोमेटिकली अलाउड किया जाएगा ताकि इनको आगे नक्शे पास करने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अतिरिक्त हमेशा ये इशू आता रहता है कि अवैध कॉलोनियों का सोल्यूशन कैसे निकाला जाएगा। पहला स्टेप मैंने पहले भी कहा था कि पहला स्टेप होता है कि उसका लैंड यूज़ बदलना। बहुत सारे कॉलोनीज हमारे ग्रीन एरिया में बने थे बहुत सालों से, या ग्रीन एरिया उसको मार्क किया गया है इररिस्पेक्टिव ऑफ कि कॉलोनी पहले बना हो, तो उसको हमने एनोमलीज को ठीक करने की कोशिश की है ताकि अधिक से अधिक हमारे इलीगल कॉलोनीज़ को लीगलाइज किया जाए, और आगे लीगल की प्रक्रिया करने में बायलॉज के अनुसार उसको लीगलाइज करेंगे तो वहाँ जो लोग रह रहे हैं या प्लॉट खरीदे हैं आसानी से नक्शा पास करके अपना मकान या जो भी एक्टिविटी पास कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त जो कॉमन प्रक्रिया हम देख रहे हैं बाजार स्ट्रीट का, जो रेजिडेंशियल एरिया में हमने अलाउ किया है, नया कॉन्सेप्ट है शासन के द्वारा लाया गया है। इसमें रेजिडेंशियल एरिया में हम कमर्शियल एक्टिविटी अलाउ करेंगे जहाँ जहाँ रेजिडेंशियल एरिया पहले से यह मार्क्ड हो। इसकी डेप्थ का हमने कोई डिसाइड नहीं किया है, जितने डेप्थ वो जाना चाहेंगे वो जा सकते हैं, और इनफैक्ट आगे कमर्शियल एक्टिविटी पीछे आवास भी वो बना सकते हैं, वो अनुमान भी अलाउ किया गया है। इसके अतिरिक्त जहाँ पे हमने देखा कि चौधरी चरण सिंह पॉइंट से लेके साई हॉस्पिटल तक जहाँ जहाँ हमारा रेजिडेंशियल एरिया था पहले, वहाँ पे हमने कमर्शियल एक्टिविटी सामने अलोंग द रोड अलाउ किया है ताकि बहुत सारे एक्टिविटीज़ ऑलरेडी चल रहे हैं ताकि उसको लीगलाइज भी किया जा सके। इसके अतिरिक्त मैं भी कहना चाहूँगा कि हरतला में भी ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया है और अलग अलग जगह पे बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी इंडस्ट्री लगा चुके हैं, इसको इंडस्ट्रीज़ को वहीं पे ईयरमार्क करके उसको कंपाउंडिंग किया जाएगा, उसका नक्शा पास किया जाएगा, ना कि उसको उसका कोई तोड़फोड़ नहीं किया जाएगा। और फोकस अब से यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंटल एक्टिविटी हो प्राधिकरण की ओर से, ना कि डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी में फोकस रहे। यही हमारे ड्राफ्ट प्लान का इस बार का ऑब्जेक्टिव रहा है। सर, इसमें अब तक कितनी आपत्तियां आ रही हैं, उनका निस्तारण कब तक होगा? अब तक लगभग 175 आपत्तियां आई हैं। सबसे ज़्यादा आपत्तियां इंडस्ट्रियल लैंड यूज़ के संबंध में आई हुई हैं। 7 तारीख तक लास्ट डेट है आपत्ति देने के लिए, उसके उपरांत 15 से 20 दिन लगते हैं सबके आपत्तियों को सुनवाई करके। पूरी समिति बैठती है, उसमें कमिश्नर के प्रतिनिधि रहते हैं, डीएम सर के प्रतिनिधि रहते हैं, शासन के प्रतिनिधि रहते हैं, तहसील के प्रतिनिधि रहते हैं, सब लोग बैठ के समस्त आपत्तियों की सुनवाई करेंगे। उसके उपरांत सुनवाई के उपरांत जो भी इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे और उसमें बोर्ड में प्रस्तुत करेंगे। उसके माध्यम से बोर्ड में अप्रूवल के उपरांत हम शासन भेजेंगे फाइनल अप्रूवल के लिए। मास्टर प्लान 2031 को लेकर इस तरह की आशंकाएँ व्यक्त की जा रही हैं कि लोग घर से बेघर हो सकते हैं? नहीं, ऐसे कोई लोगों से मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा कि इस मास्टर प्लान से सबसे ज़्यादा फ़ायदा लोगों को होगा, इसमें कोई भी घर से बेघर नहीं होगा, और शासन के मंशा के अनुरूप ही कार्य किया गया है, किया जाएगा आगे भी, और किसी भी गरीब इंसान को बेघर नहीं किया जाएगा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।